ये बहुत कुछ बोल रही थी अभी। मैं तो कभी बहू सास का नहीं होगी। हाँ पराठा छोड़ो अरे आग भी जला है जंगल के सामने, पूरा जंगल ही खत्म हो जाएगा, जंगल में मंगल हो जाएगा। पूरा बंदर लोग अटैक कर दिया हम लोग घर की तरफ। देखिए मंकी ओई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, सबका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और फ्रेंड्स आज सुबह से जो खतरनाक बारिश हो रहा है ना, बारिश से हालत ख़राब होकर रखा है। सुबह से नॉन स्टॉप बारिश पूरा हम लोग का। देखिए आंगन में पूरा पानी हो गया था, लेकिन अभी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद थोड़ा सा कम गया, लेकिन अभी पानी जमा हुआ है। देखिए हम लोग के इस साइड में ना बहुत ज़्यादा ही पानी हो जाता है। और अभी भी देखिए मौसम तो बहुत सुहाना लग रहा है, लेकिन सुहाना होते के साथ साथ जब बारिश हो जा रहा है तो ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है। एक्चुअली हवा चल रहा है, देखिए ठंडी हवाएं है, तो बारिश नहीं होने से ऐसा मौसम रहने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना ज़्यादा ठंड है ना, मुझको जैकेट तो लगाना पड़ा। और इस ठंड के मौसम में क्या करिए हमारी मैडम, देखिए क्या बना रही हो। रेगुलर एज यूजुअल काम, इस ठंड के मौसम में मेरा भी मन करता रह जाए मैं घुसी रहूं आराम से, बट नहीं, इन लोगों का फरमाइश। मुझे इस ठंड के मौसम में खाना है पकौड़ी, तो गरम गरम बनाओ पकौड़ी। ये पकौड़ा बनाई है इधर, काश मैं लड़का रहती मैं भी फरमाइश बड़ा, मुझे भी खाना मन कर रहा है वो गरम गरम पकौड़ी बनेगा। मेरा बहू आएगी ना तब मैं फरमाइश करूंगी। लाल के हसीन सपने। अभी मैं खुद बहू हूँ ना, जब मैं सास बनूंगी तब बोलूंगी बहू आज पकौड़ी बनाते हैं। बनाते नहीं, बना कर लाओ, मैं चाय खा रही हूँ बैठ के। मैं भी बनी थी एक दिन, वो मुझे बनाना पड़ रहा था, अब तुम बना हम बैठ रहे हैं, ठीक है। इधर पकौड़ा मस्त चल रही है, पकौड़ा थोड़ा फटाफट से खा। कढ़ी बनाई मैं आज, पता है कढ़ी बना रही हूँ, दाल भात सब्जी बस हो गया इतना ही। यस इतना ही। ये बहुत कुछ बोल रही थी अभी। क्या बोल रही थी? कभी बहू सास का नहीं होगी। इतना बात बोल रही थी तुम तो मैं बताऊंगा ही। मतमा होती है ना। हाँ तो बताइए, मैं तो कुछ गलत नहीं बोली। मैं जब सास बनूंगी ना तब मैं बैठ के खाऊंगी। ओ मतलब मेरी माँ बैठ के खाती है। नहीं। हाँ? पैसा लो और पैसा ले ली, अब इसे मैं पैसा मांगा। दो पैसा दो। अरे दो, मेरा पैसा मुझसे ही लेके दो। पैसा तो मेरा पैसा दो, पैसा लेके मुझको ही दो। ये बंदर लोग कितना बदमाशी कर रहे हैं हम लोग के यहाँ पे। ये देखिए बंदर जंगल में जा रहे हैं, लोग बहुत बदमाशी कर रहे हैं, घर का सारा सामान खा रहे हैं। बंदर लोग अटैक कर दिया हम लोग घर की तरफ। देखिए मंकी ओई खतरनाक दौड़ रहे है। देखिए चाचा मार रहे हैं इधर, अरे बंदर लोग को दौड़ा रहे हैं। कुत्ता लोग भी लग गया सपोर्ट में, देखिए कुत्ता लोग पूरा लगा हुआ है। ओके इस साइड में एक्चुअली पूरा जंगल है, तो जंगल में ये लोग पूरा आ जाता है और दिन में आके मतलब इतना ज़्यादा बदमाशी करता है, जो भी मना लेता है चावल वगैरह घर में सब कुछ खा जाता है, लोग बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। तो इस वजह से मतलब चाचू पूरा लगा है, देखे ना एक ऐसे जंप कर रहे हैं ऊपर पूरा जंप कर रहा है। बहुत ही मतलब बहुत मोटा बंदर है, अगर लेडीज़ के पास आता लेडीज ऐसे ही डर जाएगी, देख के ही डर जाएगी, मतलब इतना बड़ा बंदर लोग है, बहुत ही हैरान करता है कि नहीं बोलिए तो। सही बात, सब लोग खा लेते हैं, लोग बहुत बदमाशी करता है एक्चुअली। तो इसलिए चाचू लगे हुए अभी वो लोगों को मारने के लिए, खेलने के लिए। जंगल एरिया है यहाँ पे पूरा हम लोग का पीछे तरफ। अच्छा साइकिल किना गया आपका, इधर आओ, गाड़ी आ रहा है इधर। कब किनाया साइकिल आपका, कल किनाया? अच्छा, और फिर इतना ज्यादा ठंड लग रहा है और सुबह से थोड़ा भी धूप का नाम निशान नहीं है, इतना खतरनाक वाला ठंड है। तो इसलिए दादी लोगों ने क्या किया, देखिए घर का जुगाड़, आग जला दिया यहाँ पे जंगल के सामने, वो भी आग जला है, आग भी जला है जंगल के सामने, पूरा जंगल ही खत्म हो जाएगा, जंगल में मंगल हो जाएगा। लेकिन फिर भी दादी बैठी है, मतलब ऐसे आग तापने का मजा ही अलग है ठंड के दिन में, और ऐसे बाहर मतलब खड़ा होके पर आग तापने, क्योंकि धूप का तो कोई नाम निशान नहीं। अभी दिन हो रहा है, 2 बज रहा है और 2 बजे के समय इतना ज्यादा मतलब ठंड और धूप बिल्कुल भी नहीं, बहुत खतरनाक वाला ठंड मतलब। तो ये दादी जो है हमारी छोटी दादी, यही जला रही है सारा कुछ आग, देखिए बहुत अच्छा काम कर रही है ठंड के दिन में, खतरनाक है ना, बहुत खतरनाक। आशीर्वाद मिलेगा लेकिन इनको हम लोगों की तरफ से। और फिर एज यूजुअल इसको देखिए, ये लेके आ गए महापुराण, देख के सोने लगी, इसका ऐसा ही है मोबाइल लेके मोबाइल लेते लेते सो जाती है। तो बंद करके क्यों नहीं रखती हो फोन को यार, तुम सुन रहे हैं ना, क्यों बंद कर रही है? ऐसे ही तुम तुम्हारा निंद्रासन में चले जाएगी। शिव महापुराण सुन के सोना मतलब शिव के गोद में सोना, ऐसा कहा जाता है, मेरे गुरु जी कहते हैं। अच्छा तो मैं रोज सो जाती हूँ शिव जी के गोद में। सारा सामान फेंक देती है, ठीक है, मैं जानबूझ के नहीं किया, मैं जानबूझ के नहीं किया। करते हो, जानबूझ के नहीं किया। नहीं क्या तुम्हारे ज्यादा ऐसा मुंह चलता है, गमछा देख के बारिश आ रहा है, तुम्हारा ये मुंह चल रहा था ना, मुंह चल रहा है, इस वजह से मुंह चलने की वजह से मैं कुछ भी नहीं करके देता हूँ, पता है तो मुंह हमेशा चलेगा। हाँ तो बंद कर लो।
ठीक है आप जाइए गमछा देखिए फटक से सुखाए कि नहीं और उतार के ला दीजिए बीमारी सारा है ला दीजिए उधर फुट फुट इतना तो कर ही सकते हो मॉर्निंग में किचन में घुस के शाम को 3 बजे निकलती हूं आनी तो फुट 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 इसे देखिए पूरा जोरों से बारिश स्टार्ट हो गया है हम लोग के यहां पे और इधर देखिए गाय भी आ गई हम लोग की आगे बैठी हुई है एक्चुअली क्या इसको अंदर नहीं घुसाते हैं थोड़ा देर से घुसाते हैं थोड़ा लेट से लेकिन अभी इसका अंदर घुसा दूंगा ऐसे ही रहेगा क्योंकि बहुत जोर का बारिश आ गया इसको अंदर घुसाऊंगा पहले मानता हूं मैं नहीं तो पूरा भीग जाएगी बहुत ही खतरनाक जोर से बारिश आ गया गाय को अंदर घुसाता हूं क्योंकि बहुत जोरों का बारिश आ गया नहीं तो भीग जाएगी ये गाय पूरा टच्ची बांधती है एक्चुअली फूल फुला है देखिए मस्त लग रहा है इधर भी और उधर भी बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखिए तो देखिए ये आ गई इसको उठाने के लिए और इसको उठा दी और आके बदमाशी करने लगी इधर आके ओए टकलू ये सुबह मुझको सोने नहीं देती है और दिन में इसको सोने नहीं देती है टकलू कोई बात नहीं सोना है मेरा इसको खोलना चाहती है खोल नहीं पाती है तो मारती है गुस्सा में आजकल मैं गेम खेल करके मुझको ऐसा मन करता है ना रोज थोड़ा गेम खेलते अभी भी खेल रहा हूं मैं थोड़ा सा देखे ये खाने लगा मैं बराबर बराबर आज भी गेम खेल रहा हूं थोड़ा सा खेल लेता हूं मुझे आजकल अच्छा लगने लगा है थोड़ा गेम खेलना एक्चुअली आदमी है आदमी अरे खा गया खा गया हेलीकॉप्टर से मर गया मैं पता नहीं मैं कैसे मर गया लेकिन मैं मर गया बड़ा वाला शार्क आ गया बड़ा वाला शार्क आपको खा गया खत्म टाटा बाय बाय सी यू गुड बाय ऐसा ही होता है आता आता नहीं है कुछ भी खेलना नहीं दूंगा ना आज आलोक का पहला एग्जाम था मैथ्स का एग्जाम कैसा हुआ भाई कल तो पढ़ रहा था मैं लिखने के लिए बोला प्रैक्टिस करने के लिए और पढ़ रहा था हुआ कि नहीं कैसा हुआ ठीक अच्छा हुआ कितना नंबर का किया 80 मिलेगा अभी क्या पढ़ रहा है अभी इंग्लिश एग्जाम कब है परसों है पता नहीं इसमें क्या करेगा नेक्स्ट एग्जाम कैसा होता है इंग्लिश का एग्जाम है नेक्स्ट तो पहले वाला एग्जाम में तो वही किया 80 मिलेगा बोल रहे हैं अगर मैथ सही से किया होगा तो मिल जाएगा आलोक तो पढ़ रहा है इसको देखिए ये फोन चला रहा है सो रहा है तुम सो रहे हैं अभी तक कब ट्यूशन से लेट से अभी कितना टाइम सामान लाने गया था चलो किताब निकालो फटाफट किताब इसको पता नहीं मैं जब भी देख रहा हूँ इसको पढ़ते हुए नहीं देख रहा हूँ जब भी देख रहा हूँ सोते हुए देख रहा हूँ ये पता नहीं क्या पढ़ रहा है क्या कर रहा है ई जाने का और भगवान जाने के मुझको तो समझ नहीं आ रहा इसका क्या होने वाला एग्जाम भी आ चुका है इसका पता नहीं पढ़ लो भाई पढ़ लो मैं आ गया हूँ किचन में और बहुत ही खतरनाक बारिश हो रहा है और इस बारिश के बीच में हमारी मैडम इधर किचन में क्या बना रही है मैं बना रही हूँ आज चना दाल का तड़का अंग अंग भड़का ये डालते के साथ अंग अंग भड़का तुम बना रही हो चना दाल का तड़का ये डालने के साथ अंग अंग भड़का खतरनाक रेमिंग मिलाता हूँ मैं ऐसा ऐसा खतरनाक मतलब रेमिंग मिला जाता हूँ ना कोई नहीं छकेगा मेरे साथ तुम छकेगी भी नहीं ऐसे भी लेकिन तुम जो बना रही हो उसके हिसाब से बनाया ना मैं कॉल इस कॉल प्रेजेंस ऑफ माइंड समझ में आया मुझे बोलने भी नहीं है अच्छा बात है देखिए मोबाइल देख देख के बनाया जा रहा है सब्जी का क्या होगा पता नहीं वो देख रही तुम दिन भर तो यही सब देख रही हो यार पता नहीं क्या करती है 24 घंटा मोबाइल चलाती रहती है सिर्फ और कुछ नहीं ये खाना बनाते वक्त मोबाइल सोते वक्त मोबाइल हर वक्त तुम्हारा मोबाइल ही चलता रहता है इधर दूध गर्म हो चुका है मैंने इसके लिए दूध निकाल दे रही हूँ फटाक से नहीं प्याज 2 मिनट से फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं टमाटर डालूंगी उसके बाद अच्छे से मेरा अदरक मैंने प्रिपेयर कर लिया धनिया पत्ता भी काट दिया बस मिनटों में जस्ट फ्राई होगा 5 मिनट में मेरी सब्जी रेडी हो जाएगी मैंने दाल को भी सिटी लगा लिया है अच्छे से उसके बाद बनाऊंगी रोटी रोटी खाएंगे या पराठा खाएंगे मैं पराठा खाऊंगा नहीं खिलाऊंगी पराठा ऑयली खाऊंगा नहीं मैंने पूछा नहीं मैंने आपको बता रही हूँ सब पेट हो गया पराठा बनेगा ठीक है नहीं बनेगा बनेगा नो रोटी बनेगा रोटी खाना पड़ेगा मैं नहीं बनाऊंगी खुद बना लेना पराठा बनेगा मैं नहीं बनाऊंगा ओके नो माइंड इट नो माइंड इट माइंड इट रोटी प्लेन रोटी नो पराठा पराठा छोड़ो अरे डिनर करके आ गए सोने के लिए मैं नहीं ये आ गई मैं तो नहीं सो पाऊंगा अभी मुझको ईडिंग करेगी तुम उसके बाद तो सोएंगे ना तो ईडिंग करके अपलोड करके सब कुछ करके सोऊंगा ना तो मैं भी अपने खत्म करके आई हूँ सोने के लिए बर्तन वर्तन माँज के खाना पीना बना के इसका मुंह बहुत चलता है सच में मुंह इतना ज्यादा क्यों चलता है बताओ मुझे पहले हाथ पांव चलाओ मुंह चला ना तुमको डराती मुझको डराती है ये डर क्या ज्यादा दिखाती है बहुत बदमाशी करती है मेरे साथ मैं कुछ नहीं बोलता ना इस वजह से ज्यादा ही चढ़ गई है सच में आप कुछ नहीं बोलते हो सास का ननद का
सास ननद और भी क्या 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 होती है जो सुनाती है सबका ताना होना, मेरी तो नहीं देती है ना कोई भी, लेकिन ये महा से सबका कसर पूरा कर देते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, इतना बोलेंगे इतना बोलेंगे, बाप रे पेट दुख रहा है क्या बोल रहे, तुम्हारा तो पेट दुख रहा है, मतलब मैं तो बीमार में पड़ती नहीं, भोलेनाथ की कृपा से कभी ना पड़ू, मैं काया से सदैव निरोग रहूं और दिल में बाप रे बाप, खतरनाक हिंदी बोल रही है यार, अल्टीमेट हिंदी बोल रही है यार, तुम जागे रहे, मैं कभी तबीयत खराब नहीं होता, सच्ची बोल रही हूँ भोलेनाथ, कभी ना करे मेरा तबीयत खराब हो, और आप लोग का भी ना हो, किसी का ना हो, हाँ किसी का भी ना हो, समझे ना, आपका भी ना हो, सब काया से अच्छे रहे और सबके मन में भक्ति जागे रहे, तो क्या बात है ये मुझको, तुम कितना बीमार पड़ते हो, अरे दो दो मिनट में बोलते पेट दुख रहे तो क्या बोलू मैं, ऐसे मारेंगे बीमारी पड़ेगी, पति पति सुनो पति का हाथ उठा, ये बहुत नोटिंग कर दिए, पिकर 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 से बात सुनो दिमाग खराब हो जाएगा, तो फिर आज का लोग यही पे करता हूँ, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपका इन वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, मिलते हैं कल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तेलुगु थैंक यू सो मच, टाटा बाय, सी यू टुमारो, टाटा बाय बाय, गुड नाइट बाय, ठंडे का कोई देखे हम लोग, हां तो इस ठंड को सा दूंगा ना दे दे का दिखाऊं तो लेके ना दे।